मुझे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं आती, मुझसे ऐसे काम नहीं होते, सब कुछ कर लूंगा पर एमएलएम नहीं कर सकता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितेश झा है और आपने कुछ ऐसी चीजें सुनी होंगी, आपके कई सारे दोस्तों ने ऐसा कुछ कहा होगा या हो सकता है कि आपके मन में भी ऐसे ख्याल आते हों। ऐसा क्यों होता है, क्यों आपके मन में ये विचार आते हैं, या फिर जब आपके मन में ऐसे विचार आते हैं तो फिर आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, या आपसे अगर कोई पूछता है तो आप उसको क्या बोलते हैं। तो आज हम इन कारणों के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि अगर कोई ऐसा बोलता है तो क्यों बोलता है और कितनी सच्चाई है इसमें और आप इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल उठता है तो हम उसको परमानेंटली फिक्स करने के लिए ऐसी दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिसको अगर आपने समझ लिया तो आपके दिमाग में कभी भी ये सवाल नहीं आएगा और आप कभी भी नहीं कहेंगे कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं आती। तो उन दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, आप मुझे ये बताइए, क्या आपने आज तक किसी अच्छी चीज़ की तारीफ की है? क्या आपको अगर कोई चीज़ अच्छी लगी है तो आपने उससे उसके बारे में लोगों से बात की है? अगर ऐसा है तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग आती है, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर होता है, जब भी हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम इसके बारे में लोगों से बात करते हैं। और जब भी आपसे किसी ने कोई सलाह मांगी होगी, अगर कोई आपसे पूछता है कि दोस्त मुझे बताओ कि हमारे एरिए में सबसे अच्छा डॉक्टर कौन है, तो क्या आप मना कर देंगे? क्या आप उसको बिल्कुल नहीं बताएंगे? अगर आपसे कोई सजेशन मांगता है कि मुझे बताओ इस एरिया में सबसे अच्छी शॉप कहाँ से है जहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, तो क्या आप उसको मना कर देंगे? क्या आपका दोस्त आपसे जब सजेशन लेता है कि शॉपिंग कहाँ से करनी चाहिए या तुम अपने कपड़े कहाँ से लेते हो, तो क्या आप उसको नहीं बताएंगे? जब भी आप ऐसा करते हैं, जब भी आप किसी दूसरे बिजनेस के बारे में बताते हैं, आपने उस शॉपकीपर के बारे में बताया जहाँ से आप कपड़े लेते हैं और आपका दोस्त उस शॉपकीपर के पास गया, उसने खुद के लिए कपड़े खरीदे, आपने उस शॉपकीपर का फायदा करवाया, बदले में आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, इसी को नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। ये बेसिक हमारे ह्यूमन नेचर में है कि हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम इसके बारे में बात करते हैं, और जब भी हम इसके बारे में बात करते हैं हम कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि हमें इसके अगेंस्ट में कोई पे करे या हमें पैसा दे। तो आज तक ये काम हम फ्री में करते आए हैं, हमने कभी पेमेंट एक्सपेक्ट नहीं की। यहीं पे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज का रोल आ जाता है, जहाँ पे कि आज के बाद अगर आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में लोगों से बात करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। इसी को नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं दोस्तों। ये काम आप ऑलरेडी कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको कोई मूवी अच्छी लगती है तो लोग आजकल फेसबुक पे डालते हैं, बताते हैं कि वो इस थिएटर में गए हैं इस मूवी को देखने के लिए। आपके उस पोस्ट को कई सारे लोग देखते हैं, और उस पोस्ट को देखने के बाद क्या आपके दोस्त उस मूवी को देखने नहीं जाते? क्या आपसे डिस्कस नहीं करते कि मूवी कैसी है, और आप उनको रेकमेंड नहीं करते कि आपको मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए? इसी को नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। लेकिन वो मूवी ओनर, वो थिएटर ओनर या फिल्म का प्रोड्यूसर आपको पे नहीं करता, लेकिन हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज करती है। तो दोस्तों, इसी को नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। और अगर आप इसको समझे तो आप जो व्यक्ति किसी अच्छी चीज़ के बारे में किसी दूसरे को बताता है, वो जाने अनजाने में नेटवर्क मार्केटिंग रोज़ाना कर रहा है। अंतर सिर्फ इतना है कि आज तक उसने उसके अगेंस्ट में पेमेंट एक्सपेक्ट नहीं की, और यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज उनको पे करती है। तो इसलिए अगर आप ये कहते हैं मुझे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं आती, तो आप गलत हैं। क्यों? क्योंकि आप ये ऑलरेडी कर रहे हैं। रोज़ाना आप दूसरे प्रोडक्ट्स के बारे में, दूसरी चीज़ों के बारे में लोगों से बात करते हैं। अंदर सिर्फ इतना है कि आपने उसके अगेंस्ट में पेमेंट एक्सपेक्ट नहीं की, या फिर ये एक्सपेक्ट नहीं किया कि मुझे इसके लिए कुछ पे आउट मिलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज आपको पे आउट देती है उस काम को करने के लिए जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं। तो ये सवाल आप खुद से भी पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, इसमें आपको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है
कि आपको इसे एक बिजनेस के तौर पे इम्प्लीमेंट करना है, डिफरेंस वहां आ जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग हर व्यक्ति रोजाना करता है। तो ये सवाल आई एम श्योर कि आपको ये दोबारा परेशान नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति आपसे ये कहता भी है तो आप उसको ये जवाब दे सकते हैं, आप उसको बता सकते हैं कि आप ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, अंतर सिर्फ ये है कि आज तक आपने पेमेंट एक्सपेक्ट नहीं की और अब अगर ऐसा करेंगे तो आपको ये कंपनी पे आउट देगी। दूसरी चीज, आपके पास क्या ऑप्शंस है? अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते हैं और अगर आपने इसको देखा है कि यहां से एक अच्छी इनकम की संभावनाएं हैं और वो भी पार्ट टाइम, तो मैं जानना चाहूंगा, एक बार अपने ऑप्शंस को देखें कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं या फिर अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि नौकरी में आपको सफलता मिल जाएगी, तो दोस्त एक बार कैलकुलेट करिए कि आपको कितने साल लगेंगे एक अच्छी इनकम तक पहुंचने में, कितना टाइम लगेगा आपको। ऑन एन एवरेज मैंने देखा है कि लगभग कम से कम 10 से 15 साल लोगों को पहुंच जाते हैं एक सब्सटेंशियल इनकम तक पहुंचने में। लेकिन मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि उस इनकम तक पहुंचते पहुंचते उसके खर्चे भी वहां तक पहुंच जाते हैं, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और बहुत सारे लोग लगभग 40 साल नौकरी करने के बाद भी कुछ भी बचा नहीं पाते और रिटायरमेंट में भी तंगी हालत में रहते हैं। बहुत सारे लोग रिटायरमेंट के बाद जो उनको पैसा आता है वो सारा उनके मेडिकल एक्सपेंस, उनके दवाइयों में पैसा हो जाता है। क्या आप ऐसी जिंदगी चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी नौकरी आपको बहुत जबरदस्त पैसा, बहुत जबरदस्त फ्रीडम दे सकती है? तो मुबारक हो, आपका ये ऑप्शन आपको, आई एम श्योर आपको बहुत प्रगति मिलेगी। लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है, ज्यादातर लोग अपनी नौकरी में जूझ रहे हैं, तो ऐसे में उनके लिए पार्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दूसरा, अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार सोचिए, क्या कोई ट्रेडिशनल बिजनेस बिना किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के शुरू हो सकता है? क्या कोई ट्रेडिशनल बिजनेस बिना रिस्क के शुरू हो सकता है? क्या किसी ट्रेडिशनल बिजनेस में आपकी इन्वेस्टमेंट को आप जल्द से जल्द रिकवर कर सकते हैं? आपको जवाब मिलेगा कि ऐसा शायद ही पॉसिबल हो पाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, क्या ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको वो सपोर्ट मिलता है, मेंटरशिप मिलता है? मैंने तो ये नोटिस किया है कि ट्रेडिशनल बिजनेस में ज्यादातर लोग एक दूसरे के टांग खींचने में लगे हुए रहते हैं। तो इस वजह से आपको इन ऑप्शंस के बारे में विचार करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको जॉब में अच्छा करियर दिख रहा है, प्लीज आगे जाइए। अगर आपको लगता है आपका ट्रेडिशनल बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है और इसमें बहुत अच्छा भविष्य है, डेफिनेटली आगे जाइए। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं लगता और अगर आप फ्रीडम की तलाश में हैं, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम या फाइनेंशियल फ्रीडम, तो मुझे लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए बहुत ही शानदार ऑप्शन है। और इससे बेहतर ऑप्शन आपके लिए नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होता। कई नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस तो बहुत कम पैसों में स्टार्ट हो जाती है और लोगों की इन्वेस्टमेंट 1-2-3 महीने में रिकवर हो जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक मेंटरशिप मिलता है, इस कदर का मेंटरशिप मिलता है जहाँ पे कि आप जब तक सक्सेसफुल नहीं हो जाते, आपका मेंटर आपके साथ लगा रहता है आपको ग्रो करने के लिए। कौन से बिजनेस में फ्रीडम मिलता है? और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप जिस लेवल पे पर्सनली ग्रो करते हैं वो शायद आपको कहीं पे भी किसी भी इंडस्ट्री में ना मिल पाए। तो दोस्तों, हो सकता है आपको इस वीडियो से काफी मदद मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप मुझसे और कौन से टॉपिक में वीडियो चाहते हैं बनाना। अगर आप किसी अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की तलाश में हैं और अगर आपको नहीं मिला है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है।